नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास सर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, अभी जस्ट लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने रेपो रेट रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट किए। हम आपको बता दें, सर ने बोला कि जीडीपी जो है वो निगेटिव आने वाला है। मतलब जब निगेटिव आता है जीडीपी, तब तो अपने देश में रिसेशन आ जाता है, मतलब मंदी आ जाती है, क्योंकि अपने देश में प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए उन्होंने रेपो रेट में कमी करी है। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो सर ने बोला कि रेपो रेट जो है वो 4.4% से अब 4% होगा। सर ने बोला कि रेपो रेट 4.4% था, वो अब 4% हो गया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर ने क्या करा था, 27 मार्च को पहले रेपो रेट था, 27 मार्च के पहले वो 15% था, वो उन्होंने 4.4% कर दिया था। अब उन्होंने क्या करा है, 4.4% जो 27 मार्च को रेपो रेट हुआ था वो उन्होंने अब 4% कर दिया। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट मतलब ऐसा रेट जो रेट से बैंक जो होती है वो आरबीआई से कर्जे लेती है। मतलब आरबीआई ने बैंकों को इनडायरेक्टली बोल दिया है कि आप अब हमसे कर्जे लो, 4% से, 4% इंटरेस्ट रेट से आप कर्जे लो, और वो वाला कर्जा जो है आप अपने कस्टमर्स को, मतलब हम जैसे कॉमन लोगों को, इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को दो, ऐसा आरबीआई ने बोला है। जब भी रेपो रेट कम होता है तब भी बैंकें क्या करती है कि बैंकें अपना इंटरेस्ट रेट है वो कम करती है, क्योंकि बैंकों को सस्ते में कर्जा मिलना चालू हो जाता है। जब भी बैंकों को सस्ते में कर्जा मिलता है तो बैंकें क्या करती है, अपना जो सस्ते में आया हुआ कर्जा है वो अपने कस्टमर्स को देना चालू कर देती है। इसलिए रेपो रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि आपके ईएमआई जो है वो कम हो जाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा ईएमआई पे, तो ईएमआई आपका मंथली जो है वो कम हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, रेपो रेट का बेनिफिट ट्रांसफर करना कस्टमर्स को, ये बैंकों के हाथ में रहता है। बैंकें क्या करती है, आरबीआई से सस्ते में कर्जा उठाती है, लेकिन अपने कस्टमर्स को जो है वो सस्ते में कर्जा देगी ही, ऐसा नहीं है। हमने देखा था पिछली बार भी रेपो रेट कम हुआ था तो बहुत गिनी चुनी बैंकें थी, उन्होंने रेपो रेट का बेनिफिट जो है कस्टमर्स को दिया था। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने पूरा का पूरा जो बेनिफिट मिला था पिछली बार 0.75 बेसिस पॉइंट, वो सारा का सारा कस्टमर्स को बेनिफिट दिया था। मतलब कस्टमर के इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने कम कर दिए थे, ब्याज कम कर दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बैंक कर रही है। बैंकें क्या कर रही है, आरबीआई से सस्ते में कर्जा उठा रही है लेकिन कस्टमर्स को नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अपने देश में। तो आइए जानते हैं रेपो रेट से फायदा क्या होता है। अगर बैंकों ने चाहा तो फायदे हो सकते हैं। इससे फायदे क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका इंपैक्ट क्या होता है कि अपने पर्सनल लोन से, कार लोन से, होम लोन से ये सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि बैंक के क्या करती है, आरबीआई से सस्ते में आया हुआ कर्जा कस्टमर्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट में दे देती है। इंडस्ट्रीज क्या करती है कि इंडस्ट्रीज को अगर सस्ते इंटरेस्ट रेट में अगर कर्जा मिला, जो भी प्रोडक्शन करते हैं लोग, उनको अगर सस्ते में अगर उनको कर्जा मिला तो वो क्या करेंगे कि सस्ते में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट, सस्ते में बना हुआ प्रोडक्ट अपने को और सस्ते में बेच सकते हैं अगर उन्होंने चाहा तो। तो इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो वो प्रोडक्ट अपने को सस्ते में मिल सकते हैं। रेपो रेट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने इकोनॉमिक्स में। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। ये बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। जब भी रेपो रेट आरबीआई कम करती है तो बैंकें क्या सोचती है कि अगर हमें आरबीआई से सस्ते में कर्जा मिल रहा है तो हम फिक्स डिपॉजिट से पैसे क्यों ले, लोगों से पैसे क्यों ले, क्योंकि आरबीआई, बैंक सोचती है कि हमको तो 4% से आरबीआई दे रहा है, तो हम फिक्स डिपॉजिट से 5%, 6%, 7%, कुछ केसेस में इतना इंटरेस्ट हम क्यों दे उनको। तो बैंक क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है, कर्जा जो है आरबीआई से लेती है। फिक्स डिपॉजिट वालों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती उनमें, उनको नहीं बोलती कि आप आओ और फिक्स डिपॉजिट रखो। बैंक तो उल्टा फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना चालू कर देती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आपका गुजारा जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे होता है। लेकिन रेपो रेट कम होते से यार बैंकें डिनाई करती है फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए। तो ये बैंकों पे डिपेंड करेगा कि बैंकें जो है वो कैसे इस चीज को लेती है। बैंकों का फर्ज है एक्चुअली कि अपने ईएमआई जो है वो कम करने चाहिए, लेकिन बहुत कम गिनी चुनी बैंकें हैं वो सामने आती है और रेपो रेट का जो भी बेनिफिट उनको आरबीआई से मिला है वो कस्टमर्स को ट्रांसफर करती है।
एनीवे आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।